हेलो फ्रेंड्स, प्रतिभा कुकिंग लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अपने किचन में कुछ नया नहीं बता रही हूँ। पनीर की ही एक डिश है जो मेरी डॉटर को बहुत पसंद है। मैं डिनर में बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आइए देखिए, बनाते हैं पनीर भुर्जी। तो ये मैश किया हुआ पनीर और ये एक छोटा प्याज मैंने काटा है और दो टमाटर। तो आइए देखते हैं। ये मैं पहले इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। गर्म हो गया, इसमें मैं जीरा डालती हूँ और ये प्याज। प्याज लाल होने तक भूनना है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है फ्रेंड, बहुत ही जल्दी बनती है। जल्दी ही हम आपसे ये बना सकते हैं। मैं इसमें हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरी डॉटर नहीं खा पाई। आप अगर चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। प्याज को लाल होने तक भूनना है। इसमें मसाले ऐड करते हैं, थोड़ी सी हल्दी और एक छोटा चम्मच धनिया, दो थोड़ा सा सब्जी मसाला और एक छोटा चम्मच गरम मसाला। ये सारी चीज़ों को चलाएंगे और फिर इसमें टमाटर डाल देंगे। पक चुका है। अब मैं इसमें ये मैश किया हुआ पनीर डाल दूंगी और इसको भूनना है थोड़ी देर तक। और अपने टेस्ट के अनुसार नमक आप डाल दीजिए। और इसको धीमी आंच पे थोड़ा सा देर तक भून लें। इसको फिर धीमी आंच पर कुछ देर तक से भूनना है। 10 से 15 मिनट तक भूनना है। बस ये आपकी सब्जी बनकर तैयार हो गई और ये आप पराठे के लिए तैयार हो गई थी। आपको ये सब्जी कैसी लगी प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।